दोस्तों, अगर हर समय आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, आप इन सब विचारों से परेशान हो चुके हों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसा गुप्त मंत्र बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मन को खाली कर सकते हैं। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अंत तक जरूर देखें। अगर हमारा मन खाली रहेगा तो हम उसमें अपने विचार अपने हिसाब से बदल सकते हैं। हम जो भी काम करना चाहेंगे उसमें पूरी तरह से मन लग जाएगा और मन में उठ रही विचारों की बक बक को खत्म कर सकते हैं और गलत विचारों को आने से अच्छी तरह रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन का भागना रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बक बक को शांत करवाना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। एक बार की बात है, एक नगर में सबल नाम का युवक रहता था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलता रहता था। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस काम को उस समय कुछ ऐसा नहीं किया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। सबल हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। सबल चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक महात्मा रहते हैं, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर सबल तुरंत ही महात्मा के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। महात्मा भी उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर सबल कहता है, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत वो खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है, मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों को खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर महात्मा ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे महात्मा कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है, उसके बारे में जाना है। ये सुनकर सबल ने कहा कि गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर महात्मा ने उसी वक्त सबल को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आओ। फिर सबल वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आया और उस घड़े को महात्मा के पास रख दिया। फिर महात्मा ने सबल से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। सबल ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर महात्मा ने सबल से कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं,
बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये घड़ा पहले से ही भरा हुआ है। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकलना होगा। ये सुनकर सबल ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। सबल की यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर महात्मा ने सबल को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर सबल ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर महात्मा ने सबल से कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। सबल ने वैसा ही किया। वह घड़े से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर गुरुदेव ने उसी वक्त सबल से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर बदल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर सबल कहता है, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर महात्मा ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। ये सुनकर सबल ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, तो कैसे निकलेंगे? फिर महात्मा ने उसे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में चार पत्थर डालो और चार निकालो। सबल ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। ये सुनकर महात्मा ने कहा, ये घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकलते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पढ़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पढ़ते जाते हो। ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वो हमेशा खाली है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उसी वक्त सबल ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर महात्मा ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर सबल ने ऐसा ही किया। फिर महात्मा ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर का चुनाव करो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। सबल ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को महात्मा के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि ये पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। ऐसा करते करते सबल ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। सबल को ऐसा करते हुए बहुत महात्मा बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। फिर महात्मा ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को ये समझकर तरशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर सबल ने जैसा गुरुदेव ने कहा उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया, और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और महात्मा को भेंट की और महात्मा से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। सबल की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि
जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोज के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझ कर रह जाता है। फिर सबल ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा ने सबल से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना एक दो तीन दिनों का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सबल कहता है, जी गुरुदेव, तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर महात्मा ने सबल से कहा कि मन को खाली करने के 6 तरीके हैं, आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वह अपने नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए, और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसीलिए वह छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर महात्मा दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारा जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और अगर वो 5 लोग अमीर हैं, तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थात यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं। ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना सीखना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि यह हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर यह हमारे जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। महात्मा आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। महात्मा कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को बदला जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे
वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। महात्मा कहते हैं कि पांचवा तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर जीवन केंद्रित कर सकते हो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ, खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। महात्मा आगे बताते हुए कहते हैं, छठ तरीका है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। महात्मा कहता है कि गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूमते रहे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति कर सके, साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर महात्मा कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझ कर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो। किसी तीसरे विचार पर नहीं, मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।